नमस्कार जी, कहाँ से आए हैं? हम आए जी दिल्ली से। क्या समस्या थी जिसको लेकर श्री गोविंद धाम पहुँचे आप? मेरी मिसेज को थोड़ा वो किडनी ख़राब हो गई थी, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था, तो मैं पहली बार यहाँ आया था। तो उन्होंने, गुरु जी ने बोला कि एक किडनी तो ख़राब है, एक 20% बची है जी। तो उन्होंने बोला कि ठीक कर दूंगा मैं, हो जाएगी ठीक। तो फिर उन्होंने बोला कि राम नाम जपो और अपने आप ठीक हो जाएगी, बैठे बैठे यहाँ से ठीक कर दूँगा। तो एक तो किडनी ठीक हो गई, एक ख़राब थी, वो तो ख़राब हो गई थी जी। जैसा कि आपने बताया कि किडनी ख़राब थी उनकी, तो पहले आपने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट क्यों नहीं लिया उनका? हाँ जी, मेडिकल ले रहे थे जी, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया। तो ऑपरेशन से पहले मैं को पता चला यहाँ गुरु जी का, तो मैं पहले आ गया एक दिन, एक दो दिन। उसके बाद गुरु जी ने बोला कोई ज़रूरत नहीं ऑपरेशन कराने की, तो अपने आप ही ठीक हो गई है। क्योंकि किडनी की बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि आज तक शायद ही कोई रेयर केस होगा जो बच पाया होगा या ठीक हो पाया होगा। या तो दवाइयों के सारे जीवन चलता है उनका, या फिर डायलिसिस के सारे चलता है। तो आपकी जो मिसेज ठीक हुई है, उनको ठीक करने का या होने का प्रोसेस क्या रहा है यहाँ पे आने के बाद? कुछ नहीं, यहाँ बस ही आते रहे हम बारी बार से, जैसे पूर्णिमा के दिन आते रहे, कंटिन्यू आता रहा। मैं 6-7 साल हो गए मेरे को, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ा आने से, और भगवान का नाम लेने से आराम हो गया ज़्यादा। यानी कि भगवान का नाम लेते हो, हरि का नाम लेते हो, तो आप लोगों को आराम होता है। तो ऐसा क्या है कि भगवान का नाम लेते हो और ठीक हो जाते हो, ये क्या जुड़ाव है? ये तो हमें भी पता नहीं होता है, ये तो गुरु जी को पता होगा जी। तो आते रहते हैं यहाँ, जो भी काम होता है वो सफल होता है यहाँ। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ आते हुए? 6-7 साल हो गए। तो 6-7 साल में आपने गुरु जी का व्यवहार, उनका व्यक्तित्व कैसे देखा है? व्यक्तित्व अच्छा है, सबसे एक साथ एक जैसा है सबके साथ ही, कोई छोटा नहीं कोई बड़े, सबको एक समान मानते हैं, हर चीज अच्छा है। हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहोगे धाम के बारे में? दर्शकों ऐसे मैम, जो भी जिसको तकलीफ है, दुख है, कोई भी बीमारी है, मतलब यहाँ आने से कम ज़्यादातर ठीक हो जाती है, और हुई भी है कई लोगों की। हमने सुना है, हमारे सामने कहते हैं कि ऐसा ठीक हो गया, कैंसर तक बीमारी ठीक हो गई, ये तो भगवान की कृपा है, तो उनको ही पता है जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।